गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। एस जी के ट्रिपल वन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, पीपी किट होता क्या है और उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे, आप पुराने जमाने में देखोगे, पुरातन काल से देखोगे तो आपने पांच पांडवों का नाम सुना है। उसमें छठा भाई था करण। तो करण को उसके जो सूर्य देवता थे, उन्होंने उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या दिया था, उसको कवच कुंडली दी थी दोस्तों। तो कवच कुंडली क्यों दिया था, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए दिया था। तो वो जब तक थे तो युद्ध में वो अमर रहता था, यानी कि उसका खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए वो एक उसका पीपी किट था। बाद में आप देखेंगे दोस्तों, अलग अलग राजो महाराजाओं के युद्ध होते थे तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या पहनते थे, चिलकत पहनते थे दोस्तों। यानी कि वो चिलकत था वो एक, यानी कि शिरस्त्राण पहनते थे तो हेड का प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने बॉडी का प्रोटेक्शन करने के लिए चिलकत या शिरस्त्राण पहनते थे, वो उनका पीपी किट रहता था दोस्तों। तो दोस्तों जैसे ही हमारा युग डेवलप होते गया तो हमारे जैसे ही काम करते करने वाले वर्कर्स है, मेडिकल स्टाफ है, उनके लिए अलग अलग पीपी किट डेवलप होते गए दोस्तों। तो उसके बाद में अभी इंडिया कोरोना के बाद में जो पीपी किट बने वाला है, दूसरा कंट्री, दो नंबर का कंट्री बन गया है दोस्तों। और आपको पता है अभी पीपी किट आपने जल्द ही सुना होगा कि ये जो कोरोना का सिलसिला चल रहा था, तब आपने हर एक न्यूज में सुना होगा, टीवी में सुना होगा कि पीपी किट ऐसे खराब निकले, वो ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। यानी कि पीपी किट के बारे में आपको अभी लेटेस्ट जानकारी मिली होगी तो कोरोना के पीरियड में मिली होगी दोस्तों। तो उधर जो मेडिकल डॉक्टर्स है, नर्स थे, वो जो यूज कर रहे थे वो पीपी किट अभी आपने सुना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पीपी किट होता है क्या। तो दोस्तों पीपी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पीपी का फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट दोस्तों। ये पीपी किट किसे कहते हैं दोस्तों? तो देखो दोस्तों, पर्सनल पीपी किट प्रोटेक्शन किट है, इक्विपमेंट है, तो वो बनाए होते हैं क्लोथ्स, गारमेंट्स और ग्लासेस, गॉगल्स और अदर जो इक्विपमेंट है, वो ऐसी इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट करे किससे, तो दोस्तों इंजरी से और वायरल इंफेक्शन से। तो दोस्तों ये हुआ उसका डेफिनेशन कि पीपी किट किसे कहते हैं। तो मैं फिर एक बार दोबारा बताता हूं आपको कि पीपी किट किसे बोलते हैं। तो जो भी क्लोथ्स, गारमेंट्स, गॉगल्स आदि चीजें बनाते हैं वो किस लिए बनाई जाती है, ऐसे डिजाइन की जाती है कि बॉडी का प्रोटेक्शन हो, उससे बॉडी को इंजरी ना हो और वायरल इंफेक्शन से बचा सके। तो ये पीपी किट इसलिए इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। तो ये पीपी किट क्यों इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कि आपकी बॉडी को किसी बाहर के वायरल इंफेक्शन ना हो, आईज, लंग्स, जो भी आपके बॉडी के ऑर्गन है वो सेफ्टी रहे और आपको कोई इंजरी ना हो और वायरल इंफेक्शन ना हो, इसलिए पीपी किट इस्तेमाल करना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं पीपी किट में कौन से टाइप्स होते हैं। 8 टाइप्स के पीपी किट होते हैं और कौन से ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं और कौन से वर्क करते टाइम ये पीपी किट पहनना है, देखो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। फर्स्ट टाइप है पीपी किट में हेड प्रोटेक्शन। हेड प्रोटेक्शन में क्या होता है दोस्तों? तो हेड प्रोटेक्शन जब भी आप काम करने जाते हैं तो आपके हेड का प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी पीपी किट यूज किया जाता है उसको हेड प्रोटेक्शन किट बोलते हैं। यानी कि उसमें आता है सर दोस्तों हेलमेट। देखो दोस्तों, आप बाइक भी चलाते हैं तो भी आप हेलमेट पहनेंगे, अगर कुछ आपको बाइक फिसल गई, एक्सीडेंट हो गया, तो भी आपके हेड का प्रोटेक्शन करता है वो हेलमेट, तो उसका प्रोटेक्शन किट हुआ हेलमेट। तो दोस्तों ये किधर भी बाइक चलाते हुए, आप कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, हाइट पे काम कर रहे हैं, कोई हाउसकीपिंग ऊपर चढ़ के सीढ़ी पे अगर सीलिंग क्लीन कर रहा है तो भी पीपी किट पहनेगा दोस्तों। अगर कंस्ट्रक्शन में आप ऊंची जगह पे काम कर रहे हैं तो भी वो पीपी किट यानी कि हेलमेट पहनने वाला है दोस्तों। तो ये हाइट का जो भी काम रहता है, कंस्ट्रक्शन काम रहता है, बाइक पहनते टाइम आपको हेड प्रोटेक्शन के लिए जो पीपी किट यूज करते हैं उसको हेलमेट बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों दूसरा है हैंड प्रोटेक्शन। जो भी आपका हैंड है उसका प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी यूज होता है पीपी किट उसको हैंड प्रोटेक्शन पीपी किट बोलते हैं। उसमें दोस्तों आता है ग्लोव्स। ग्लोव्स हर तरह से बनाए जाते हैं, रबर के होते हैं, कॉटन के होते हैं। उस तरह से जो रबर और कॉटन के हैंड ग्लोव्स होते हैं तो किस लिए होते हैं? तो दोस्तों कभी कभी आप बाइक चलाते हो तो आपकी सर्दी में इन्वायरमेंट चेंज होता है तो गर्मी में, और जो भी इंजर ना हो आपके फिंगर्स को,
और जब भी आप काम कर रहे हैं किधर, तो कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, तो क्लीनिंग का एच के काम कर रहे हैं, बाइक चलाते टाइम, केमिकल्स इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको हैंड ग्लोव्स अपने हैंड का प्रोटेक्शन करने के लिए बेहद ही जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद में थर्ड है प्रोटेक्शन, आई और फेस प्रोटेक्शन दोस्तों। आईज और फेस प्रोटेक्शन, आईज अपना इतना इम्पोर्टेंट और बहुत ही नाजुक अवयव है दोस्तों, उसका उसका प्रोटेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर उसका प्रोटेक्शन नहीं किया तो आईज की बीमारी हो जाती है दोस्तों, फेस के ऊपर भी आपको इंजरी हो सकती है दोस्तों। तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, सेफ्टी ग्लासेस होते हैं, गॉगल्स होते हैं और फेस शील्ड होता है दोस्तों। तो ये जो भी इक्विपमेंट है वो आईज और फेस के प्रोटेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं दोस्तों। तो ये कब होते हैं दोस्तों, अभी वो कैसे होते हैं, अंडर अगर अंडर प्रेशर गैस है उधर यूज हो रहा है किधर, तो उधर वेल्डिंग वर्क्स हो रहा है किधर, बड़े हजार्ड्स है, डस्ट है, इधर ये आईज और फेस प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में फोर्थ है दोस्तों रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपकी ब्रीदिंग जो है उसको रिस्पिरेटरी करने के लिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्शन करने के लिए जो भी यूज होता है प्रोटेक्ट किट, उसको रिस्पिरेटरी प्रोटेक्शन बोलते हैं दोस्तों। ब्रीदिंग नोज, उसके लिए क्या यूज करते हैं आप, मास्क यूज करते हैं, ब्रीदिंग ऑपरेटर्स यूज करते हैं दोस्तों, वो कहां पे यूज होता है, तो लार्ज अमाउंट पे गैस अगर लीकेज हो गया, डस्ट हो गई, अगर मेडिकल एरिया में मेडिकल कोई ऑपरेशन चल रहा है तो उनके बाहर का जो वायरल इन्फेक्शन है ना हो, इसलिए वो यूज करते हैं मेडिकल एरिया में भी। और उसका फिफ्थ नंबर का है प्रोटेक्शन होता है बॉडी प्रोटेक्शन दोस्तों, तो और हेयर प्रोटेक्शन दोस्तों, यानी कि कान का प्रोटेक्शन दोस्तों। हेयर प्रोटेक्शन क्या होता है दोस्तों, आपकी जहां भी नॉइजी यानी कि बड़ा साउंड आ रहा है, अगर आप केमिकल में या प्रोडक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं तो उधर ये नॉइजी इंडस्ट्री में हेयर प्रोटेक्शन लगाया जाता है दोस्तों। तो उधर ईयर प्लग होते हैं, नॉइजी मीटर होते हैं, वो आपके हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद में होता है दोस्तों सिक्स्थ वाला फुट प्रोटेक्शन, यानी कि आपके पाओं का प्रोटेक्शन करने वाला दोस्तों। दोस्तों देखो कभी भी फुट प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, सेफ्टी शूज रहते हैं, जब भी आप इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन एरिया में काम कर रहे हो तो उधर आपको दिखाई देंगे कि ये सेफ्टी शूज पहनते हैं। हाई टेम्परेचर होगा, स्लीपर एरिया होगा तो उधर, और इलेक्ट्रिसिटी के हजार्ड होंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, केमिकल प्रोडक्शन होगा, तो उधर ये फुट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पहनते हैं दोस्तों। उसके बाद में होता है बॉडी प्रोटेक्शन दोस्तों, तो बॉडी प्रोटेक्शन बहुत बेहद ही जरूरी है दोस्तों। ये बॉडी प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, बॉडी प्रोटेक्शन जो भी आपका हाई विजिबिलिटी के लिए होता है, और वेदर जब भी चेंज होता है तो उधर वो बॉडी प्रोटेक्शन पहुंचते है, तो उधर जैकेट्स होता है, हाई टेम्परेचर होता है तो भी जैकेट पहनते हैं, लो टेम्परेचर होता है तो भी जैकेट पहनते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में वो हाई विजिबिलिटी के लिए ट्रैफिक का जैकेट होता है, वो कोई एक्सीडेंट ना हो इसलिए भी पहना जाता है, वो भी एक पीपी किट है दोस्तों, वो ट्रैफिक जाम या केमिकल इंडस्ट्री में ये बॉडी प्रोटेक्शन यानी कि जैकेट पहना जाता है दोस्तों। उसके बाद में हाइट और एक्सेस प्रोटेक्शन, यानी कि जब भी आप कोई काम हाइट पे कर रहे हैं या तो रेस्क्यू टीम है वो भी हाइट पे रेस्क्यू टीम करती है, तो ये हाइट प्रोटेक्शन वाला इक्विपमेंट पहना जाता है दोस्तों। और उसका वीकली उसका इन्फेक्शन होता है, और इस इन्फेक्शन के बाद अगर वो डैमेज नहीं है तो ही वो पहना जाता है दोस्तों। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं या तो रेस्क्यू टीम होती है ऑपरेशन में, रेस्क्यू ऑपरेशन लिफ्टिंग होता है, सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं, तो ये आठ टाइप के अपने हम आज पीपी किट क्या होता है देखा दोस्तों। पीपी किट आपने देखा होगा, अगर मेडिकल एरिया में देखो तो जब भी कोई ऑपरेशन या सर्जरी होती है तो फेशियल मास्क, ऊपर से हैंड ग्लोव्स और पूरी बॉडी का किट ये पहनते हैं, तो आपने देखा होगा उसको भी पीपी किट बोलते हैं। बाद में आप अगर वेंडर काम कर रहे हैं अपनी कंपनी में इंडस्ट्री में, तो पूरा सेफ्टी स्विच, गॉगल्स, हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट, हैंड ग्लोव्स ये सब पहनते हैं। अगर हाइट का काम चल रहा है तो उसके लिए सेफ्टी बेल्ट पहनते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री लेवल और बाहर की जो भी निजी योग है उसमें हमने देखा ये पीपी किट होता क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, और कितने टाइप्स के प्रोटेक्टिव होते हैं वो, और कौन से ऑर्गन को बचाते हैं, और किधर उसका यूज होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो उसको
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।